क्या बात है अप्पैया मास्टर, बहुत मजा आया। अरे जुगलबंदी हो तुम ऐसी हो। बालाजी की कृपा और हमारे पालघाट के गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे तबले में भी जाने भाई। क्या बात अप्पैया मास्टर, थोड़ी देर में हमारा आज का खेल शुरू होने वाला है। आज आप हमारे साथ मृदंगम बजाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बजाएंगे। इन्हें खेल में मृदंगम बजाने के लिए तो हम यहाँ लाए हैं। हाँ बड़ी अच्छी बात है। अरे यो क्या हुआ, तुम ही समझा दो भाई। क्या बात है मास्टर। टाइम देखो ना, राहु कालम शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है, और राहु कालम में हम मृदंगम कैसे बजा सकते हैं। राहु कालम ये क्या चीज है भाई। दिन का भूरा टाइम, उसको राहु कालम बोलते हैं। भूरा टाइम? हाँ हाँ राहु कालम। राहु कालम में हम मृदंगम को हाथ भी नहीं लगा सकता, उसका बुरा असर होता है। राहु कालम में कोई शुभ काम नहीं होता। अरे अप्पैया मास्टर, आज के लिए बजा लो ना। हाँ कुछ नहीं होगा। तोबा तोबा, तुमको तो सब पता है, फिर भी हमको राहु कालम में मृदंगम बजाने के लिए कहते हो। भाई हमको माफ करना, देखो शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? राहु कालम। राहु कालम के कुछ अपने नियम है, रूल्स है, इनको जो भी तोड़ता है उसका काम नहीं होता। अगर होता है तो ठीक नहीं होता, अगर ठीक होता भी है तो बाद में कुछ उसका बुरा असर भी हो सकता है। अरे अप्पैया मास्टर, अगर आज आप मृदंगम बजाए तो क्या होगा? अभी इस वक्त दीवाने हो तुम लोग, पागल हो। अरे अप्पैया मास्टर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? हाँ कुछ भी हो सकता है। अरे आदमी की जान भी जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बोलते हो। अरे 6 महीने पहले जब तुम आया था तब क्या हुआ इसको बोलो। हमारे गांव का एक आदमी है ना, रामस्वामी। रामस्वामी ठीक इसी की तरह दिखता है। उसकी किराने की दुकान है भाई, प्रोविजन की। रामस्वामी मैं पहचानता हूँ उसको। वो उसका बेटा शिवा स्कूल मास्टर है ना, उसको मिलने के लिए गया था मैं गांव। अच्छा अच्छा रामस्वामी, उसका क्या हुआ? क्या हुआ मुझे पूछते हो, जाकर उसी को पूछो, उसको अच्छी तरह से मालूम है राहु कालम क्या चीज है। मालिक मालिक, मालिक देखता नहीं है, मैं घड़ी की पूजा कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुकेगा तो मरेगा नहीं। अभी मुंह खोल, क्या चाहिए तुझे? आठने की चाय, आठने की शक्कर और 1 रुपए का तेल। अच्छा पैसे निकाल। मालिक मैं एक तो सुबह सुबह उधार मांगने आते हो और वो भी राहु कालम में। आज अभी 2 घंटे का राहु कालम है, जा जा 10 बजे के बाद आ। अच्छा चल निकल जाए। मालिक कह दिया ना एक बार, चल जा। मालिक कल पैसे दे दूंगा। अरे बाबा मैंने पैसे की बात नहीं कही, मैं तो राहु कालम की बात कर रहा हूँ। तुझे पहले उधार दिया है कि नहीं? मैं उधार लेने के खिलाफ नहीं हूँ, राहु कालम में उधार लेने के खिलाफ हूँ। जा 10 बजे के बाद आ। चल हाँ तब तक पैसे आ जाएंगे ना। हाँ चल। अरे अर्जुन जी आओ आओ। अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। हाँ कहो कैसे है बेटी की तबीयत तुम्हारी, दस्त रुका या नहीं? जी नहीं, वो बच्चा तो दिन ब दिन सूखता जा रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। आपका तू मेरी बात सुन अर्जुन, तू अपनी जमीन को देवस्थान के नाम कर दे। हाँ ये आप क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ बाबा, अरे तेरी जमीन की वजह से तेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, 4 दिन हो गए, है कोई सुधार उसमें? नहीं ना। अपने गांव के पुजारी जी केशव शास्त्री जी कल मिले थे। अच्छा। उनसे तुम्हारे बेटे की बात चल रही थी। अच्छा क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि तुम मूर्ख है, राहु कालम में जमीन में हल जो चलाया तुमने
लेकिन जमीन में इसके पहले भी तो हल चलाया था, उसका बच्चे से क्या ताल्लुक? मेरा बच्चा तो अभी इसी वक्त बीमार पड़ा हुआ है ना। अरे बाबा, ताल्लुक तो इन सबका होता ही है, मगर हम बड़ों की बात तो तू मानेगा नहीं। केशव शास्त्री जी कह रहे थे कि अर्जुन को तुरंत इस जमीन को देवस्थान के नाम कर देना चाहिए। हाँ, तभी तो बच्चा ठीक हो सकता है। बड़ी अजीब बात है ये। ठीक है, अजीब लगती है तो मन मानो इसे, रख लो अपनी जमीन, बाद में मत कहना कि सही रास्ता हमने तुझे बताया ही नहीं। अरे अर्जुन, हाँ, कैसा है तेरा बच्चा? क्या बताऊं, जो भी बात है मैंने अर्जुन को साफ साफ बता दिए। हाँ, आशिया आने वाला है। आज आने वाला है? हाँ, तेरा बचपन का दोस्त है ना। हाँ, शिवा आज नहीं आएगा। मगर उसकी तो तब्दीली हुई है हमारे गांव के स्कूल में। हाँ, मगर शिवा आज नहीं आएगा, मैंने उसे खत लिख दिया है कि वो सोम के दिन सुबह की गाड़ी से आ जाए। लेकिन आज तो शनिचर है। हाँ, आज शनिचर है, वैसे भी शनिचर यात्रा के लिए ठीक दिन नहीं है, और आज राहु कालम है पूरे 2 घंटे का। राहु कालम तो होगा, मगर होगा नहीं है, मुझसे पूछो। मगर उसके नौकरी का सवाल है। हाँ, नौकरी की बात है, मगर राहु कालम का भी तो ख्याल करना पड़ता है। अच्छा अर्जुन, तू चल, शिवा आज नहीं आएगा। अगर आएगा तो? अरे नहीं आएगा, बस कितनी बार बोलना पड़ेगा। अब हाँ सुन, तेरे बेटे के भलाई के लिए तू जमीन को देवस्थान के नाम करने के लिए सोच। हाँ, अच्छा मैं पुजारी से मिल लेता हूँ। हाँ मिल लो, मगर वो भी तो वही कहेंगे जो मैंने कहा है। राहु कालम तो राहु कालम है भाई, उसे बोलोगे तो बुरी तरह पछताओगे। हाँ, रामस्वामी ठीक ही कह रहा था, राहु कालम को भूल जाओगे तो बुरी तरह पछताओगे। लेकिन अपया मास्टर, शिवा का क्या हो गया ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई, उधर अर्जुन गया और उधर शिवा पहली गाड़ी से गांव में गया। इसका मतलब ये हो गया कि शिवा ने राहु कालम में यात्रा की और उसे कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलो। इसमें झूठ बोलने की क्या बात है भाई? अरे शिवा गांव में आ गया, ये तो सच्ची है ना। मगर घर की हालत में पहुंचा ये तो बताओ। सामान किसी चोर ने उठा ली और मुझे पता ही नहीं चला। मगर तूने उसे पकड़ा क्यों नहीं? इतना कीमती बैग और ऊपर से कपड़े। मैं कैसे पकड़ता, मैं तो सो रहा था। जाने दे बेटे, तू तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ अम्मा। बस देखो अम्मा। हाँ? मुझे स्कूल जाने की जल्दी है। अच्छा। वक्त पर स्कूल जाना होगा, अगर मैं ही लेट हो गया तो बच्चों को कैसा कहूँ कि वक्त पर स्कूल आया करे। ठीक है, देख मैं नहाने के लिए पानी निकालती हूँ। हाँ? तू नहा लेना, फिर कुछ खा लेना, ठीक है, फिर चले जाना। हाँ ठीक है। राहु कालम में यात्रा करने को मैंने तुझे मना किया था, फिर भी। मगर अप्पा, शिवा तूने ये अच्छा नहीं किया। अप्पा, अगर सब लोग राहु कालम मानने लगे तो रोज 2 घंटे के लिए दुनिया का सारा काम बंद हो जाएगा। मैं आज ही स्कूल में नहीं गया तो मेरी तब्दीली कैंसिल कर देंगे। इतने बरसों के कोशिश के बाद हमारे गांव में तब्दीली हुई, आखिर मेरे नौकरी की बात है। मुझे आज आना ही था। हाँ, और बस में तुम्हारे सामान की चोरी होनी थी। मैं तो कहूँ बस में शिवा को नींद आई, इसकी वजह भी तो राहु कालम हो सकती है। देखो कैसे नुकसान होता है, 60 रुपए का तो बैग होगा, ऊपर से कपड़े। राहु कालम की वजह से चोरी भी हो सकती है, लेकिन चोर का क्या हुआ भाई, चोर के लिए कौन सा काल था। हसो हसो। तुम भी ऐसो। नहीं, अब यार गुस्सा नहीं होना यार, फिर क्या हुआ बोलो ना, क्या हुआ बोलो ना। वो जो अर्जुन है ना। हाँ? उसका बेटा बहुत बीमार था। अच्छा। बाप का किया, बेचारा बेटा भुगत रहा था। रामस्वामी कह रहे थे कि राहु कालम ने जमीन में हल जो चलाया, इसी की वजह से सब हुआ है करके। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता राजीव। ये सब देख पूछ कर करते तो मेरा मुन्ना सूखता नहीं, दिन रात दस्त होता है, पेट में कुछ टिकता नहीं, आंखें अंदर चली गई है। अब बालाजी को मिन्नत मांगा है, फिर भी। ठीक ही किया तूने, मुन्ना ठीक हो जाए तो बालाजी को एक टोपी चढ़ा देंगे। तुम घबराओ मत,
नहीं तो मेरे हाथ पर कांपने लगते हैं। अपना मुन्ना ठीक हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे अर्जुन, पुजारी जी आप आइए आइए। अरे कैसे आदमी हो तुम अर्जुन, पिछले दो दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आज की शाम हो गई फिर भी तुम्हारी कोई खबर नहीं, इसलिए मैं खुद चला आया। सोच ही रहा था कि आपके पास। अरे सिर्फ सोचने से क्या बच्चा ठीक हो जाएगा, तुम्हें बच्चा जिंदा चाहिए ना। शुभ शुभ बोलिए पुजारी जी। माफ करना राजक्का, लेकिन गलती करोगे तुम दोनों माँ बाप और सजा बच्चे को क्यों भला। राहु कालम में जमीन में हल चलाया, अब देखो राहु कैसे पीछे पड़ा है हाथ धोकर। अब गलती तो हुई है पुजारी जी, आप ही बताइए हमें क्या करना है, हमारा बच्चा ठीक हो जाए बस। तू चुप हो जा राजीव, तू मत रो। अरे कैसी चुप होगी बिचारी, आपके तो भाग में यही लिखा है। देखो रजक्का, जमीन देवस्थान को दे दो, मैं खुद शांति पाठ करूंगा और तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा। अरे मुझ पर विश्वास रखो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों को माफ कर दे, आखिर मेरा भी तो भगवान के ऊपर कुछ हक है, उसका पुजारी जो हूं, जिंदगी भर उसकी सेवा करता आ रहा हूं, समझे। मैं वादा करता हूं आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। खैर अर्जुन, मैं तो चला। देखो अर्जुन, मैं यहां से चलूंगा और सीधा अपने घर जाऊंगा, रात भर सोऊंगा नहीं, तुम्हारे बच्चे की फिक्र जो है तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। जमीन देवस्थान के नाम करने का इरादा पक्का हो जाए तो झट से चले आना, आखिर जमीन तुम्हारी है और बच्चा भी तुम्हारा ही है, बाकी सब तो भगवान देख लेगा। अप्पा या मास्टर, क्या हुआ? ये कोई घर की कहानी नहीं है, अपनों की है। राजक्का मेरी सगी बहन है, बच्चा कितने दिनों से तड़प रहा था, मैं खुद अपनी आंखों से देख आया हूं। 6 महीने पहले की बात है, पता नहीं अब बच्चा जिंदा है या नहीं। हम तो घूमते फिरते कलाकार। अप्पा या मास्टर, मुझे तो ये मालूम नहीं था कि रजक्का तुम्हारी बहन है, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही खबर दे देता। खबर? हाँ हाँ। कैसी? कि रजक्का का बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। 4 दिन पहले मैं रजक्का के गांव गया था शिवा को मिलने के लिए, शिवा की और मेरी अच्छी पहचान है ना। रजक्का का बेटा ठीक है? हाँ। बालाजी तेरी कृपा, चलो अर्जुन ने जमीन देवस्थान के नाम पे करके अच्छा ही किया, बच्चे की जान बच गई। जमीन तो देवस्थान के नाम करनी ही नहीं पड़ी। ये कैसे हो सकता है, राहु कालम वाली जमीन उसने रख ली। हाँ। और बच्चा भी ठीक हुआ। हाँ। मुझे तो यकीन नहीं आता है। अरे भाई हम भी तो सुने, आगे क्या हुआ, बच्चा कैसे ठीक हो गया? क्या हुआ कि पुजारी जी अर्जुन के घर से चले गए। हाँ। और रजक्का अपने बच्चे को लेकर शिवा के घर गई। हाँ। मैं भी वही था, यही तबला बजा रहा था। हाँ यही कोई 9 बज रहे थे। अन्ना, कौन? रजक्का और अर्जुन, इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना, बच्चे को भी साथ ले रहे हो? अरे अरे इसे तो सब बुखार है। क्या बात है अर्जुन, क्या हो गया, क्या बात है? दस्त हो रहा है 4 दिन से। मैंने राहु कालम में जमीन में हल जब चलाया, बस अब भुगत रहा हूं उसका। राहु कालम हल चलाया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो पुजारी जी कह रहे थे बच्चे का बीमार होना, खेत में हल चलाना, अच्छा उल्लू बनाया तुम लोगों को, और तुम भी मान गए। क्या करे, ये ठीक ही नहीं हो रहा था। कैसे ठीक होगा,
कुछ इलाज कराया? इलाज तो बच्चा 4 दिन से बीमार है, कुछ इलाज नहीं कराया और सिर्फ राहु कालम करते बैठे आप लोग। आओ बैठो। ये आप क्या कर रहे हैं? दस्त को रोकने के लिए ये एक अच्छा इलाज है। अब जरा ध्यान से सुनो और देखो। ये 1 लीटर पानी लिया, यानी कि ये लोटे में 1 लीटर पानी आता है, ठीक है? फिर उसमें 1 चपटी नमक डाल दीजिए, उसके बाद 1 मुट्ठी शक्कर और उसे अच्छी तरह से मिलाकर बच्चे को हर 5-5 मिनट के बाद पिलाते रहो, ठीक है? उससे शरीर में पानी टिका रहेगा। लेकिन इससे क्या फायदा? इसके बदन में तो कुछ टिकता ही नहीं। हाँ, पानी टिके या न टिके, तुम हर 5-5 मिनट के बाद मुन्ने को ये चम्मच से पिलाते रहो, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा है। मेरा मुन्ना ठीक हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और हाँ एक बात तो कहना मैं भूल ही गए, दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसका लक्षण है चमड़ी का कड़ा हो जाना। तुम्हें मालूम है राजक्का, हमारे देश में हर साल हजारों बच्चे दस्त की बीमारी से सूख सूख कर दम तोड़ लेते हैं, इसलिए ये एक आसान और असरदार इलाज है। 1 लोटा पानी? हाँ, 1 लोटा बोले तो इसमें 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी लेना। अच्छा, और 1 चपटी नमक? इतनी नहीं, चपटी बोलो तो 3 उंगलियों से इतनी। ऐसा क्या? हाँ बराबर है। और 1 मुट्ठी शक्कर? हाँ। क्या इससे मुन्ना ठीक हो जाएगा? हाँ मुन्ना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना अर्जुन, कल सुबह मुन्ने को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाना, भूलना नहीं। मैं तो समझ कर चल रहा था कि राहु कलम बच्चे को खाकर ही छोड़ेगा। आप तो समझ गए ना कि राहु कलम मरे कुछ नहीं है, सब झूठ है, बकवास है, अंधविश्वास है। अब मैं समझ गया। हाँ तो फिर चलो अपाया मास्टर, 9:30 बज रहे, हमारा खेल शुरू करने का वक्त हो गया। बिल्कुल, अब तो आप हमारे साथ मृदुंगम बजाओगे ना? शो तो होता ही रहेगा, तो अभी स्वयं।